हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब तक आप पढ़ चुके हैं एनर्जी की डेफिनेशन और इसकी एक फॉर्म जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। आज हम इसकी और अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंटरनल एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ऑब्जेक्ट जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द ऑब्जेक्ट। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हीट एनर्जी, या फिर उसी का दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी। अब हीट एनर्जी से क्या मतलब है? अभी मैंने बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड भी करेंगे, टकराएंगे भी। तो वहां से जो है क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिसऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकलेगी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट एनर्जी ली जाएगी, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें जो एनर्जी इवॉल्व होती है या ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला क्या है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा किया गया काम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगेगा तो वर्क होगा। तो अगर उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो है वो बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो किस रास्ते से फर्स्ट पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ले जाया गया है उस रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये एक बॉक्स है, ए पोजीशन पे रखा हुआ है और इस बॉक्स को हमने बी पोजीशन पे लेके जाना है। तो यहां पे फिगर में मैंने चार रास्ते दिखाए हैं। सबसे पहला रास्ता तो क्या है? ए से हम बिल्कुल स्ट्रेट बी पोजीशन पे ले जाएं इस बॉक्स को। दूसरा रास्ता है हमारे पास इस तरह से, दूसरे रास्ते से हम ऐसे लेके जा सकते हैं। तीसरा रास्ता हमारे पास ये है, ए से बी तक जाने का। और चौथा रास्ता मैंने ये दिखाया हुआ है, ए से बी तक पहुंचने का। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब कहां से कहां पहुंचाना था, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंचाना था। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसे जो ऑब्जेक्ट है उसे किस रास्ते से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचाया गया है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे उसे आप दूसरे रास्ते से ले गए हो, या तीसरे इस रास्ते से ले गए हो, या इस रास्ते से ले गए हो, जो वर्क डन है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या रहेगा?
सेम रहेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये देखा जाएगा कि उसे कहां से कहां ले जाया गया है, किस रास्ते से ले जाया गया है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी तरफ है हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसके उल्टे होते हैं, वो क्या करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट पर ए से बी पोजीशन पे ले जाने के लिए, तो वो हर केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, इसमें क्या डिफरेंस होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। जैसे कि ये पाथ है, पहले हम ऑब्जेक्ट को एबीसी पाथ से इधर ले गए सी पर, फिर जो है सी से हम इस पाथ को फॉलो करते हुए उसको ए पर ले आए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये क्लोज पाथ हो गया। मतलब यहां से स्टार्ट किया था हमने ए पॉइंट से और घूम के जो है वापस कहां पे आ गए, ए पॉइंट पे आ गए। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा किया गया जो वर्क है वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसके द्वारा किया गया काम जो है वो जीरो नहीं होगा। इसके बाद है इनके एग्जांपल्स। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड सेकेंड एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।